महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर को लेकर के पूरे देश की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है। इस पर बिहार में भी खूब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और जेडीयू राजद की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। वहीं इस पर सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि कौन विधायक कहाँ गया है, इससे शरद पवार को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही लालू यादव ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा कि बिहार में सांसदों को तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन हम बिहार को हिलने नहीं देंगे, बिहार से इनका सफाया हो जाएगा। लालू जी महाराष्ट्र में जो कैसे कहते हैं, अरे मैं कौन कर रही हूँ, शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन मेरे कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है, उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। सुना चर्चा कर रहा था कि बिहार में एमपी लोग तोड़ दिया था, एमपी को तोड़ बिहार में से निकालो, बिहार कहां हिलका बनता है, बोलेगा और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय है। बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार एनसीपी से बगावत करते हुए रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए, जहां अजीत पवार ने अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक के बाद राजभवन में जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी।